उज्जैन के वार्ड नंबर 24 से भाजपा पार्षद सुशील पर कुछ युवकों द्वारा चाकू से हमला कर दिया है। घटना खाक चौक के पास एक मरीज गार्डन की बताई जा रही है, जहां वाहन पार्किंग को लेकर भाजपा पार्षद के कुछ युवकों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने पार्षद पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान जहां गुर्जर रहे वहां भाजपा विधायक पारस जैन ने बीच बचाव कर पार्षद को अपनी कार में बिठाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो जैन से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीच में पार्षद पर युवकों ने चाकू से हमला कर दिया है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में कृष्णा वाटिका खाक चौक के पास में, वहां पर जनप्रतिनिधि पार्षद सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में आए थे। किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ में विवाद किया गया और चाकू से उनको चोट पहुंचाई गई है। अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, पुलिस जांच कर रही है और सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी पार्षद पर चाकू से हमला किया गया है। वाहन पार्किंग को लेकर के युवक से विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर चाकू से ही हमला कर दिया है। आपको बता दें कि पार्किंग वाहन को लेकर के युवकों से विवाद हुआ था और विधायक पारस जैन ने पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पार्षद को चाकू से मारा गया है, हमला कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर पार्षद को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि लगातार जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम डोरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर वाहन पार्किंग को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर पार्षद को घायल कर दिया है, चाकू से हमला कर दिया है, पूरी जानकारी प्रेम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह खाक चौक के पास एक मैरिज गार्डन है, वहां की घटना है। तो जो पार्षद है भाजपा का सुशील श्रीवास, ये वहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था। गाड़ी पार्क करने को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ, कुछ युवक शराब के नशे में थे जिनसे विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने पार्षद के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पार्षद ने उन्हें अपना परिचय दिया, उसके बाद उन्होंने और ज्यादा पीटा और चाकू निकाल कर उस पर चाकू से हमला भी किया है। खास बात तो यह है कि शादी समारोह में भाजपा के विधायक पारस जैन भी पहुंचे थे। जब उन्होंने ये घटना देखी तो उन्होंने बीच बचाव कराया और उसके बाद तत्काल वहां से अपनी गाड़ी में युवक को जिला चिकित्सालय ले गए, वहां पर युवक को भर्ती कराया है। खास बात तो यह है कि यहां पर दो दिन पहले ही एक कार्तिक मेले में हत्या हुई थी, एक आगर का युवक घूमने आया था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद इस प्रकार की घटना होना, तो कहीं ना कहीं यह जो गुंडे हैं इनका जो इतना आतंक मच गया है, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो आरोपी हैं उनकी जल्द तलाश कर पकड़ लिया जाए। जी प्रेम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो पार्षद है उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जी, हमारी जिला चिकित्सालय के चिकित्सक से बात हुई, उनका कहना है कि हालत खतरे से बाहर है। जो चाकू लगा है उसका घाव ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए जो नसें हैं वो कहीं नहीं कटी है, इसलिए उसकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। हालांकि जिला चिकित्सालय में जरूर उसका उपचार जारी है। जी प्रेम, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े जो बदमाश बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही कही जा सकती है? जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि तीन दिन में अलग अलग तीन घटनाएं होना, पहले दिन एक युवक की मेले में हत्या हो जाना, दूसरे दिन एक घर पर गुंडों द्वारा करीब एक दर्जन से अधिक गुंडों द्वारा हमला करना, उसके बाद एक भाजपा पार्षद पर चाकू मारना, इस प्रकार की तीन अलग अलग घटना हुई है जिसमें पुलिस कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने यह जरूर कार्रवाई की है कि मेले में जिस युवक की हत्या हुई थी उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर उनके मकानों को तोड़ा गया। हालांकि घटना होने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं पुलिस की जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी प्रेम, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।